अरे प्रधान जी, बो रहे दोनों भाई, गेहूँ काट रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे छोटे, पुली बाद में मान ली, चल खाना खा लेते हैं। ठीक है भैया, आओ चलते हैं। चल आ चलते हैं। चलो भैया। लो भैया, हाथ धो लो पहले। ला छोटे, तू भी अपने हाथ धो ले। देख छोटे, अगर तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देगा तो आगे चलकर तुझे मेरी तरह खेती ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई बात नहीं भैया, मैं पढ़ाई करने के साथ साथ आपका काम में भी हाथ बटाना चाहता हूँ। और छोटे, जिस दिन तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। ले अब खाना खा। जी भैया। हाँ भाई। अरे प्रधान जी, आप? नमस्ते प्रधान जी। अरे प्रधान जी, तूने कहा था कि प्रधान जी मैं आपके पैसे बैसाख के महीने में चुका दूंगा, ला दे मेरे पैसे। प्रधान जी, मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे प्रधान जी, इसको अभी भी और टाइम चाहिए, क्यों ना हम इनकी गेहूं की पुलियों को अपने ट्रैक्टर में भरकर ले चलें। हाँ सही कहा तूने, जल्दी ट्रैक्टर मंगाओ। ठीक है प्रधान जी, आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप हमारे गेहूं को ले जाओगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा प्रधान जी। हाँ तो इसमें हम क्या करें, ये तेरी गलती है। देखिए प्रधान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, चुनाव के वक्त आपने कहा था कि आप गरीबों की मदद करेंगे, तब जाकर हमने आपको वोट दिया था और आप प्रधान बन गए। क्या कहा भी? तुमने हमें वोट दिया? तुमने हमें वोट फ्री में नहीं दिया, मैंने इसके पैसे दिए थे और पूरे गाँव को शराब भी पिलाई थी, तब जाकर मैं प्रधान बनाऊँ, समझे तुम लोग? देखिए प्रधान जी, चुनाव के समय ना ही हमने आपसे पैसे लिए थे और ना ही आपकी शराब पी थी, हमने आपको वोट इसलिए दिया था ताकि आप गांव का विकास करें। अरे प्रधान जी, इन मूर्खों को कौन समझाए कि पिछले 10 वर्षों में आपका जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो अब निकलेगा। सही कहा तूने, और तुम दोनों सुन लो, गांव में कोई विकास नहीं होगा। प्रधान जी, अगर आप गांव का विकास नहीं करोगे तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अच्छा, तो तू प्रधान के खिलाफ जाएगा, तेरी इतनी हिम्मत? प्रधान जी, हमें माफ कर दो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, समझा देना से, अगर आगे से कुछ भी बोला ना तो समझ लेना। चलो इसके सारे गांव भरवा लो। चलो देख छोटे, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगा कर, जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तब ये लोग हमसे डरेंगे, और अभी खेत की सिंचाई भी करनी है, चल मेरे साथ। हाँ भाई, इस खेत की सारी पुलियां भरकर मेरे घर पर डालनी है। ठीक है ठीक है प्रधान जी, अभी ले चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। तो कोई है भी नहीं, पता नहीं कहाँ गए। अरे नहीं छोटे, वो अंदर होंगे, मैं आवाज देता हूँ। अरे ठाकुर साहब, नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, हमें अपने खेत की सिंचाई करनी है, हमारे लिए ट्यूबवेल की चाबी चाहिए। देखो, आप पे पिछले पैसे हैं, आपने पिछले पैसा ही नहीं दिया है तो मैं पानी भी नहीं दूंगा आपके लिए, आप यहाँ से जाइए। Thank you.
हेलो, क्या भाई सच में? ठीक है यार। अरे छोटे, इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या हुआ? अरे भैया, 3 महीने पहले मैंने स्कॉलरशिप का एक एग्जाम दिया था जिसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के लिए 50,000 रुपये का इनाम था, और भैया मैंने पहला स्थान हासिल किया है और 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में भी आ गए हैं। अब भैया हम सभी के पैसे चुका देंगे। नहीं छोटे, इन पैसों से तुझे आगे की पढ़ाई करनी है, चल दिल्ली चलने की तैयारी कर। ठीक है भैया, आप कहते तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करता हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है भैया, चलता हूँ। ठीक है छोटे, संभाल के जाना, रास्ते में कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। हाँ भाई, कौन हो और अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? पहले बाहर निकलो। तो मुझे पुष्पेंद्र सर से मिलना है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूँ सर से। सर, गेट पर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? सर, वो अपना नाम रोहिताश बता रहा है। क्या? चलो। अरे मेरे दोस्त रोहिताश, और इतने दिनों बाद कैसे याद किया? हाँ, अंदर चलकर बैठते हैं। अब बता मेरे दोस्त रोहिताश, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? वो भाई, मुझे भी आपकी तरह इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्यों नहीं भाई, इसमें मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन तुझे तो पता ही है आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले SSC के एग्जाम में एक लड़के ने 200 में से 200 नंबर प्राप्त किए, फिर भी वह सिलेक्ट नहीं हुआ। अब तू खुद सोच भाई, सरकारी नौकरी में कितनी धांधलेबाजी चल रही है। सही कहा भाई आपने, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो बेचारा बुरी तरह रो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर व्यक्ति की किस्मत और मेहनत दोनों साथ दें तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। चल तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना मंगाता हूँ। अरे प्रधान जी, फिर से चुनाव नज़दीक आ गया, चुनाव की तैयारी करवाओ, चुनाव नहीं जीतना है हमें। अरे चुनाव तो हम जीते हुए हैं, गांव में फिर से दारू बटवाओ, जिस किसी को पैसे की ज़रूरत हो पैसे बटवाओ, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे चुनाव हम ही जीतेंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हाँ प्रधान जी, शराब तो बटवानी पड़ेगी। अरे पुलिस आज हमारे घर पर, बोलिए इंस्पेक्टर कैसा आना हुआ, कौन है ये लोग? ये हैं हमारे नए सर, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। सुनो प्रधान, गांव के एक व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ RTI फाइल दाखिल की है, जिसके तहत पिछले 5 वर्षों में विकास करने के नाम पर तुमने जो पैसा निकाला है हमें उसका ब्यौरा चाहिए। अरे प्रधान जी, आपने कुछ काम तो कराया नहीं है, पर ब्यौरा कहाँ से देंगे? अरे विकास, तुम टेंशन मत लो, इस ऑफिसर को हम पैसे देकर मामला यहीं की यहीं रफा दफा कर देंगे। हाँ प्रधान, क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं सर, हिसाब चाहिए मुझे अभी। सर, हमने आज तक जितना पैसा निकाला है वो गांव के विकास में लगाया है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रधान, पिछले 5 सालों में तुम्हारे अकाउंट में पूरे 80 लाख रुपए आए हैं, और मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए, समझे? क्या सर, 80 लाख रुपए? सर मेरे अकाउंट में तो 50 लाख रुपए आए हैं, विकास 30 लाख रुपए कहाँ गए? प्रधान जी, मुझे क्या पता। प्रधान, हमसे झूठ बोलना सही नहीं है, बताते हो या फिर जेल लेकर चलूँ अभी? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास 50 लाख रुपए आए हैं। सर, हो सकता है प्रधान सही बोल रहा हो, क्योंकि इन जैसे अनपढ़ प्रधानों का पैसा ब्लॉक के कुछ अधिकारी खा लेते हैं। सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि इन जैसे प्रधानों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। चलो प्रधान, वो छोड़ो, तुम हमें 50 लाख रुपए का ही ब्यौरा दो, जल्दी से। सर ये ब्यौरा ब्यौरा हम कुछ नहीं जानते, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। क्या प्रधान, रिश्वत लेने की बात करता है, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर को? इंस्पेक्टर, लेकर चलो इसे और डाल दो जेल में। सो हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो गाइस, और आप वीडियो को देखकर समझ गए होंगे हम किस तरीके का मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहते हैं। गाइस, तो प्रधानी का चुनाव है, तो सही तरीके से वोट करें, और गाइस कभी भी शराब और पैसे के लालच में आकर ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपके गाँव के विकास में योगदान ना दे, तो सही चुने,
समझदारी से चुने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।